ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और टेलीविजन जज केटी पेरी के बारे में। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम केटी पेरी नहीं बल्कि कैथरीन एलिजाबेथ हडसन है। और दोस्तों, अगर आप केटी पेरी से जुड़ी एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं तो आपको उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केटी पेरी का जन्म 25 अक्टूबर 1984 में कैलिफोर्निया शहर में हुआ था। और दोस्तों, बचपन से ही उन्हें सिंगिंग का काफ़ी शौक था, जिस वजह से उन्होंने वोकल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी और इसके साथ साथ उन्होंने डांसिंग सीखना भी स्टार्ट किया। और दोस्तों, उन्हें उनके 13th बर्थडे पर उनका पहला गिटार गिफ्ट किया गया। उसके बाद से उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और कुछ समय बाद उन्होंने अपना हाई स्कूल डस पब्लस लेफ्ट कर दिया, जिससे कि वो अपना म्यूजिकल करियर आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, हाई स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने म्यूजिक अकेडमी ऑफ द वेस्ट में एडमिशन लिया और इटालियन ओपेरा सीखना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, उसी दौरान उनकी मुलाकात स्टीव थॉमस और जेनिफर नैप से हुई, जो कि नैशविल से बिलोंग करते थे और काफ़ी जाने माने रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट थे। और दोस्तों, इसी वजह से कुछ ही समय बाद केटी नैशविल शहर में शिफ्ट हो गई। और दोस्तों, यहाँ से ही उन्होंने अपने टैलेंट को निखारना शुरू किया और उन्होंने कई तरीके सीखे म्यूजिक रिकॉर्ड करने के और म्यूजिक को लिखने के, और उन्होंने और भी कई टाइप के म्यूजिक स्टाइल्स को वहाँ पे सीखा। इसके बाद उन्हें रेड हिल रिकॉर्ड्स की तरफ से रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने अपनी पहली एल्बम केटी हडसन रिलीज की। और दोस्तों, इसके बाद से उन्होंने अपना स्टेज नेम केटी पेरी रखा, जिससे कि लोगों को उनके नाम में और केट हडसन, जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके नाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके कुछ ही समय बाद वो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में शिफ्ट हो गई। और दोस्तों, वहाँ पे उन्हें कोलम्बिया रिकॉर्ड्स की तरफ से रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा दिन नहीं चला और केटी पेरी ने इस कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद उनका एक सिंगल सिंपल द सिस्टर ऑफ द ट्रैवलिंग पैंट्स नाम की मूवी में फीचर्ड हुआ, जिस वजह से उन्हें छोटी मोटी सक्सेस मिली और लोग उन्हें जानने लगे। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें कैपिटल रिकॉर्ड्स की तरफ से रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी दूसरी एल्बम वन ऑफ द बॉयज रिलीज की। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी सेकेंड एल्बम का लीड सिंगल आई किस्ड अ गर्ल रिलीज किया। और दोस्तों, यहाँ से ही उनकी सक्सेस की शुरुआत हुई, क्योंकि ये गाना बिलबोर्ड्स के कई चार्ट्स में नंबर वन रैंक पे रहा। और दोस्तों, इसी दौरान वो यूके में हो रहे अमेरिकन आइडल में गेस्ट जज बन के भी गई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी तीसरी एल्बम टीनेज ड्रीम रिलीज की और इसी के साथ साथ अपनी एल्बम का लीड सिंगल कैलिफोर्निया गर्ल्स भी रिलीज किया। और इस दौरान वो द एक्स फैक्टर में भी गेस्ट जज बन के गई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी चौथी एल्बम 2013 में प्रिज्म रिलीज की और देखते ही देखते 2017 में उन्होंने अपनी पांचवी एल्बम विटनेस भी रिलीज की। तो चलिए दोस्तों, अब केटी पेरी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केटी पेरी को अपने गाने अ किस द गर्ल के लिए इंस्पिरेशन हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहेंसन से मिली थी। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों, अगर आप केटी पेरी को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा कि केटी पेरी ने अपना 28th बर्थडे मिशेल ओबामा के साथ एक लंच पे सेलिब्रेट किया था, जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों, आपने केटी पेरी को कई हेयर स्टाइल्स और हेयर कलर्स के साथ देखा होगा, लेकिन उनका नेचुरल हेयर कलर ब्लॉन्ड है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि केटी पेरी की फेवरेट फिटनेस एक्टिविटी क्या है? और दोस्तों, अगर आपने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं तो आप ये बात ज़रूर जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनकी फेवरेट फिटनेस एक्टिविटी जंपिंग रोप है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि केटी पेरी काफ़ी टैलेंटेड सॉन्ग राइटर है और उन्हें सॉन्ग राइटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों, आप शायद जानते नहीं होंगे कि उन्होंने सेलेना गोमेज़ और
एशली टिस्डेल के लिए कई बार गाने लिखे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।